कि हम दोनों बेकार चले गए खेत पे गेहूं काटने के लिए, तो हमको खेत पे सूचना मिला, यहाँ से खबर गया कि तुम्हारा घर में आग लग गया। जब हम दोनों बेकार खेत पर से घर आते आते देखते हैं, मेरी पूरी घर जल गई, मेरी माँ बूढ़ी घर पे जल के मर के पड़ी हुई है। जो बस्तर हम पहनते थे वही बस्तर बचा। यह वीडियो मैं करीब जनवरी 2015 में बनाया और अंचला अधिकारी को दिखाया। उन्होंने बोला कि हम पैसा दे देंगे, यहाँ से आवेदन लिख कर गया दे दिए हैं, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं आया है। मैं बार बार उनसे मिलता रहा। ये 2014 की घटना है। हमारे पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा ही उनके सारे अभिलेख को संधारित करके आपदा विभाग को भेजा गया था। उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो पुनः हमारे आने के बाद आपदा विभाग के द्वारा हमें बताया गया, तो फिर पुनः उनको अभिलेख हमने पुनः संधारित करके दोबारा उनको भेजे, दोबारा उनका भेजा गया। दोबारा भेजने के बाद वो राशि स्वीकृत होकर आ गई। चूँकि मामला 2014 के संबंध में था, उस समय आपदा में 1.5 लाख रुपये अनुमान्य सहायता राशि दी जाती थी, वो उनको सहायता राशि सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हो गई। फिर तत्पश्चात हमें प्राप्त हो गया, तो हमने उनको चेक के माध्यम से वो राशि उनको उपलब्ध करा दी। आज करीब करीब साल दो साल के बाद हमको कुछ प्राप्त मिला ब्लॉक द्वारा, सरकार द्वारा। कितना मिला? जी 1,50,000 का चेक मिला। सीओ साहब खुद अपना हाथ से हमें दे, जो जान चल जाता है वो आता नहीं है। पैसा तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन यही है कि कुछ नहीं था, अब कुछ मिला तो कुछ राहत हमारा बाल बचा कर हुआ। इसमें भी आपका हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। आपने वीडियो दिखाए दुनिया को, सरकार को, तो तभी जाकर सरकार ने हमारा सुरक्षित के लिए कुछ सहयोग किया। आप अगर परिश्रम नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता। अगर सरकारी अफसरों से साहस और इच्छा से बात कीजिएगा तो समस्या में बदलाव जरूर आएगा। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडिया नहर के लिए।